तो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार और आज हम 3 दिन बाद वीडियो पोस्ट करने लगे अपने चैनल पे। रीज़न ये थी कि मैं बाइक्स पे गया हुआ था नारान और कुछ क्लिप्स बनाए हैं मैंने मानसरा तक, उसके बाद के मैंने क्लिप्स नहीं बनाए। तो मैंने कहा यार छोड़ो यार, क्या पोस्ट करके फ़ायदा। तो आज हम आपको दिखाएँगे मेहरान, और ये मेहरान जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही मेहरान है जो मैंने आपको सारी दिखाई थी डेंटिंग पेंटिंग होते हुए, और आज ये कम्प्लीट है, ओवरऑल कंप्लीट है। ये बीच में वर्कशॉप से गायब हुई थी, वो मतलब कि जो ऑनर थे उनको ज़रूरत थी और लेके गए थे गाड़ी को, और अभी हमारे सामने गाड़ी जिसमें कि आप देख सकते हैं बिल्कुल लश कंडीशन में कंप्लीट कार है और काफ़ी साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर खड़ी हुई है गाड़ी। और अभी फ्रंट से शुरू करते हैं, ये टोटल रिस्टोर्ड हुई है ओवरऑल। कहने का मकसद ये है पेंट जॉब, इसके नए पार्ट्स, सारा कुछ नया इसका इंस्टॉल हुआ है। और ये जिस तरह के फ्रंट देख सकते हैं, बम्पर नया ज़रा है, लाइट्स, ग्रिल, ये जिस तरह के आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ें दिखाई। अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो के एंड पे लिंक दे दूंगा, आप वो दोबारा देख लेना शुरू से कि क्या सीन हुआ था, कैसे प्रोसीजर हुआ था। लाइट्स काफ़ी इसके अंदर अच्छी क्वालिटी की डाली गई हैं और अच्छी इसकी यही बात है कि आपको ना कम पैसों में अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो इसमें यह नहीं होता कि जेन्युइन कॉपी का कोई सीन, और पाकिस्तान में ही बनती हैं ज़्यादातर। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी पेंट जॉब काफ़ी ज़बरदस्त है, ये थोड़ी सी डस्ट वगैरह है तो उस पर आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, अगर मैं इसको करवाता तो काफ़ी टाइम लग जाना था। अभी जैसा कि आप इसका देख सकते हैं इसमें पेंट वर्क काफ़ी ज़बरदस्त किया गया, मेटालिक ग्रे कलर है इसके ऊपर। और उसके बाद जो साइड लुक पर अगर आ जाएँ, साइड लुक पर इसके रिम्स चेंज किए गए, और रिम्स अगर आप देख लें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था जिस दिन चेंज हो गए थे, रिम भी नए डाले हैं और ये ऑनर ने खुद डाले हैं, जो हमने अपनी तरफ से कोई ऐड करके नहीं दिए। और अगर साइड पे आ जाएं, साइड पे ऐसा कुछ भी इन्होंने मॉडिफाई नहीं किया, मतलब कोई इस तरह की चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की हुई सिवाय अलॉय व्हील्स के। बैक पे अगर देख लें तो मैंने जिस तरह दिखाया था कि फ्रंट स्क्रीन प्लस ये जो बकाया छोटी मोटी चीज़ें लाइट्स, बम्पर वगैरह, ये सारी चेंज हुई हुई हैं। और ये जिस तरह कि आप देख सकते हैं लाइट, ये क्रैक भी आ गया, और यहाँ से अगर आप देख लें बम्पर, बम्पर भी चेंज किया, इस पर भी मेटालिक पेंट किया गया। मैं बम्पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैचिंग देखें कितनी एक्यूरेट की है, दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, और ये बम्पर थोड़ा टाइट होने वाला है। और अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर, क्योंकि जो इंटीरियर में गेम खेल गया ना ये, उस पर एंड है। सबसे पहले तो मैं इसकी की दिखाता हूँ, इसमें मोबिलाइज़र तो नहीं है लेकिन इसके अंदर सारा वही कंट्रोल दिया हुआ है, अनलॉक कर सकते हैं। की भी काफ़ी प्यारी बना के दी है और सारे ऑटो डोर किए हुए हैं जिसके अंदर, जैसा कि देख सकते हैं ये पैनल लगाए हैं और ये पैनल काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अंदर स्पीकर भी ऐड किया हुआ है, मुझे यहाँ से जाली नज़र आ रही है स्पीकर की, और जिस तरह आपको भी शायद नज़र आ रही हो अंदर स्पीकर लगा हुआ है। और ये चीज़ें अगर देख सकते हैं कि नीचे कारपेट चेंज किए हुए, सीट्स देख लें, सीट के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, फैब्रिक के अंदर है, स्वेट पसीना नहीं आने वाला आपको, और काफ़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी के अंदर एसी भी मौजूद है तो गाड़ी का शशका ही लग हो गया अब तो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, सीट्स कवर हो गए, इसके बाद ये जो डोर कार्ड्स हैं इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पहुंच गया। और अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और कैमरा हिल रहा हो तो माजरत है। अच्छा, अभी मैं गाड़ी के अंदर की लगाता हूँ। तो जैसे कि अभी ये देख सकते हैं पायनियर का इसके जेन्युइन डेक लगा हुआ है, और जेन्युइन डेक की आपको पहचान पता लग जाती है, इसी से ही क्वालिटी आपको पता आ रही है। और यहाँ से अगर आप देख लें ये फ्रंट सारा इसका तैयार हुआ हुआ है, गियर नॉब वही है। अच्छा, मैं दरवाजे के पैनल के बारे में पूछ रहे थे, ये दरवाजे का पैनल जब बंद होता है तो आप इधर सीट को एडजस्ट करने के लिए हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन ये है कि आगे आपको बॉक्स मिल जाता है, आपको सीट एडजस्ट करने के लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, फिर आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर आई है। और इसके अंदर एसी भी मौजूद है जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले एसी चल रहा था, ये देखें अब एसी चल गया। वाह यार, एसी तो इसका बड़ा मज़े का है।
ज़बरदस्त बेहतरीन काम कर रहा है जी एसी भी। मैंने मेरा ने पहली बार था एसी देखा है। छत देख लें, छत भी सारी साफ़ की है, लाइट्स इसके अंदर लगाई हैं, ये जैसा कि देख सकते हैं। छत की पैलिंग देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी की गई है, ये जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ से देखें आप। और एसी बंद ही कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार एसी का इसकी परफॉर्मेंस भी है। अच्छा मैं बैक से मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी को, बैक सीट भी आपको साथ साथ दिखा देते हैं कि बैक सीट का क्या सीन है। शीशा खोल दें, गाड़ी लॉक ना हो जाए ऑटो। अच्छा बैक सीट देख लें, बैक पे भी पैनल पूरा लगा हुआ वही वाला। और यहाँ पे ऑटो विंडो भी लगाई लेनी है, इसके अंदर मोटर भी अब लग सकती है इजीली, स्पेस काफ़ी आ गई है। और बैक सीट देख लें, बैक सीट भी काफ़ी ज़बरदस्त और कोशिश बहुत प्यारी की गई है इसके अंदर। और बैक पे कैनबोर्ड के स्पीकर लगाए गए हैं जर्मन, जैसा कि देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ना एक कंप्लीट कार कर दी है। अब मैं बॉनेट भी दिखा देता हूँ आपको, बॉनेट खोल लेते हैं। इस पे जो एक्सपेंस आया ना टोटल अराउंड 1.5 लाख तक लगा ये चीज़ सारी गाड़ी ना यस होगी, लेकिन पेंट जॉब और डेंटिंग की बात आ जाए ना वहाँ पे आपके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। किसी गाड़ी बहुत खड़की होती है, किसी गाड़ी बिल्कुल सही होती है। और ये गाड़ी तो मतलब इतनी ज़्यादा खड़की भी नहीं थी, इसको कवर की है। और अगर आपका 1.5 लाख रुपया हो तो आप इस तरह की गाड़ी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस पे 1.5 लाख से ज़्यादा ही लगा है। क्योंकि आप अलाइरिम्स की बात कर लेना तो ये 40 से 50 हज़ार रुपये के रिम टायर ही होंगे। सॉरी आजकल टायर भी, मैं टायर लेके आया मैंने तो 30 हज़ार रुपये के चाइना के टायर लिए हैं, तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें रिम और टायर कितने के होंगे। ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर रिम डाले हैं, तो इस पर 1.5 लाख से ऊपर ही लगा है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज की हैं, सारा कुछ कॉस्मेटिक इसका चेंज कर दिया गया। और मैं अभी वर्कशॉप में हूँ, जैसा कि देख सकते हैं गाड़ियाँ ऑलमोस्ट रेडी होने वाली हैं। इस पर जो नार्डो ग्रे कलर हुआ था उसके ऊपर कटिंग की जा रही है। और ये जो गाड़ी है इसका भी काम हो रहा है साथ साथ, इसका पेंट बहुत ख़राब है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका भी हो जाना है। और वहाँ पे जो फील्ड सॉरी प्रो बॉक्स है, प्रो बॉक्स का भी पेंट के लिए जा रही है अंदर। ये जो भी पेंट होगा फ्रेश होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा इसका फुल रिव्यू। इस तरफ अगर देख लें ये गाड़ी पूरी छिल दी गई है, और इस गाड़ी की जो गंदी हालत है ना अल्लाह माफ़ करे, डेंटर की हिम्मत है जो इसने कवर करना शुरू कर दी है। तो ये देखें जी, फिर इधर बलिनो खैर इसका भी 2-3 दिन लग जाएंगे रंग डलने में। और बकाया जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी इंजॉय करें, आप लोग इस तरह की वीडियोस बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए ही आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बकाया उधर जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं वो सारी प्रीमियम क्लास है, और मेरी गाड़ी निकाल के अपनी गाड़ी भी यार कम नहीं लगती, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा अगर उस तरफ अगर देख लें उसमें BMW मर्सिडीज़ इससे ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके साथ साथ काम चल रहे हैं, तो वो आपकी डिमांड हुई तो वो भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। और स्मार्ट सर्विसेज पे आके आप अपनी गाड़ी का कोई भी काम करवा सकते हैं, मैकेनिकल हो, डेंटिंग हो, पेंटिंग हो। आपके सामने भी देख लें डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, और मेरान आपके सामने रिजल्ट है जो कि बहुत ही लश कंडीशन में हुआ है। एक एक्सियो खड़ी है, मैंने उनको कहा था जल्दी रेडी कर दें, बस उसके सस्पेंशन का कुछ काम हो रहा है, वो जैक पर खड़ी हुई है, सस्पेंशन का क्लियर हो जाए उसके बाद मैं वो भी गाड़ी आपको दिखा दूँगा। और वो भी गाड़ी पूरी रीपेंट हुई है, तैयार हुई है पूरी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। सिविक पे थोड़ा टाइम है क्योंकि सिविक के बहुत ज़्यादा पार्ट्स गले में हैं, इसको दोबारा पीसेस डाल डाल के रिफ्रेश किया जा रहा है जैसा कि देख रहे हैं। उस दिन मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था जंग पड़ा हुआ था, अब ये पीस नया डाला है, ये देखें जी डेंटर ने काफ़ी अच्छा काम किया। बस साथ साथ ही आपको एक क्लिप्स वगैरह दिखाता रहूँगा। और गाइस सपोर्ट करें, थोड़ा स्लो हुआ हूँ इसी वजह से वो हूँ कि ये गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, इस वजह से मैंने कहा आपको एक ही मरत अच्छे सा क्लिप दिखा दिया करूँ। मेरान जिसना दिखाई आपको यकीनन वीडियो पसंद आई होंगी, और इसी तरह मैं सारी वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि साथ साथ काम होता रहे, मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।